Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start a new topic, that is the gravitational force and the weight. ठीक है, अब इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेट. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या है हमारे पास, इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेस. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हो, ठीक है, या ग्रेविटी बोलते हैं. और ये क्या होता है, कोई भी दो मैसेज हैं हमारे पास, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह किसी भी दो मैसेज के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, डैट इज़ द ग्रेविटी. ठीक है, और ये किसी भी डिस्टेंस से जो है वो एक्ट करती है. लेट सपोज़ आपने देखा होगा, अगर आप अर्थ ग्रेविटी की बात करते हो तो आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव अ बॉल, ठीक है, एक ये बॉल है आपके पास, ठीक है, ये अर्थ का ग्राउंड है. आप क्या करते हैं, जब आप बॉल को यहाँ पे थ्रो करते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों मूव करती है. कभी आपने सोचा है कि बॉल क्यों नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती जब आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं, या आप जब भी ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं थोड़ी देर बाद वो अर्थ की तरफ क्यों मूव करती है. इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को पुल करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, कॉजिंग ऑब्जेक्ट टू फॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम अ हाइट. ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी बॉल जो है किसी हाइट पे होती है तो वो नीचे किसकी मदद से आती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आती है, जिसकी मदद से आपको क्या लगता है, बॉडी जो है वो फॉल कर रही है, बॉडी गिर रही है. ठीक है, इसके अलावा सिर्फ अर्थ में ऐसा नहीं होता, जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं या बड़ी बॉडीज़ हैं, उनमें क्या होता है, वो दूसरी बॉडीज़ को जो है कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करी होती हैं. लाइक आपके पास सन है, सन की एग्जांपल है सोलर सिस्टम, आपने पढ़ा हुआ है. सोलर सिस्टम में क्या है, सन के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन की ग्रेविटी की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. ठीक है, सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से द प्लैनेट्स एंड देयर मून ऑर्बिट अराउंड द सन. ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब देखें ये आपकी बुक पे, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ईजीली. देखिए, अर्थ और जो है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप ईजिली देख सकते हो. कैसे देख सकते हैं आप, देखें, द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट इन द एयर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे अभी आपने बॉल की एग्जाम्पल देखी, ठीक है, उसमें भी अर्थ क्या थी, उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही थी. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की अगर ग्रेविटेशनल पुल में, अगर इस एरिया में पड़ा है जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, जहाँ तक अर्थ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, वहाँ तक क्या है, वो अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी से उस चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब अगर आप स्पेस में चले जाओ जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें फ्लोट करती हैं फिर. ठीक है, ये देखिए, द आउटर स्पेस एस्ट्रोनॉट फ्लोट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी. आउटर स्पेस में जो ये एस्ट्रोनॉट है ये फ्लोट करता है, ठीक है, इसकी कोई ग्रेविटी नहीं होती, ना ये फॉल करता है, ना ये जो है ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है, ये फ्लोट करता है जहाँ भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, ही फ्लोट्स, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है.